नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पिछले कुछ पार्ट से करीब 10 पार्ट हो चुके हैं दशाध्याय के अंदर, जिसमें मैं डिफरेंट ग्रहों की अंतरदशा के फल मैं बता रहा हूं। शुरू में बताए थे आपको कि सूर्य की महादशा का फल क्या होगा, चंद्र की महादशा का फल क्या होगा, इस तरीके से बताए थे। अब सूर्य में डिफरेंट ग्रहों की अंतरदशा का फल क्या है वो बताएं। तो लास्ट पार्ट में हमने बताया था, सूर्य में अगर बुध की अंतरदशा हो या केतु की अंतरदशा हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सूर्य में शुक्र की अंतरदशा हो, किसी की शुक्र की अंतरदशा चल रही हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं, अगर सूर्य की महादशा हो और उसके अंदर शुक्र की अंतरदशा हो। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं शेयर कर देता हूं आपके पास में। कहते हैं ऋषि पाराशर ने ही सारी चीजें बोली हैं, जो भी हमने पढ़ाई है आपको, जो बताया है पीछे, वो सारा ऋषि पाराशर का ही बताया हुआ है। तो ऋषि पाराशर ने ही कहा है कि सूर्य संतर्गते, यानी सूर्य की अंतरदशा में शुक्र त्रिकोणे केंद्र अपि वा, यानी त्रिकोण का स्वामी हो, केंद्र का स्वामी, त्रिकोणे केंद्र अपि स्वा, स्वोच्चे स्व उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो, मित्र राशि में हो, स्व वर्ग में स्थित हो। वो कहते हैं सूर्यासंतर्गते शुक्रे त्रिकोणे केंद्र पीवा स्वच्छे मित्र स्वर्गस्थे अभिष्ट स्त्री भोग्य संपदा। यानी अगर इस तरीके से सूर्य शुक्र पोस्टेड है, शुक्र आपका त्रिकोण में है, शुक्र आपका केंद्र में है, स्वच्छ राशि में है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, 6-8-12 में नहीं है, तो ऐसे केस में सूर्य की अंतर महादशा में चाहे शुक्र की अंतरदशा में आपको अभिष्ट स्त्री का सुख प्राप्त होता है, भोग्य संपदा प्राप्त होती है, धन धान्य प्राप्त होता है। ग्रामांतर प्रयाणम, इसका मतलब है ग्राम में घूमना होता है। ये पुराने टाइम में लिखी हुई सब चीजें हैं। ग्रामों में घूमना मतलब ये हुआ कि देश विदेश में आपको घूमने की अवसर प्राप्त होते हैं, सफल विजिट के लिए अवसर प्राप्त होते हैं घूमने के लिए। ब्राह्मण प्रभु दर्शनम, यानी प्रभु का दर्शन होता है, ब्राह्मण के दर्शन होते हैं, ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात रहती है। राज्य लाभ हो, राज्य का लाभ होता है, कहीं भी आप ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, आपको वैभव मिल सकता है, आपको अपनी कंपनी के सीईओ से आपको एक अलग से आइडेंटिफिकेशन मिल सकता है। अगर शुक्र आपका केंद्र त्रिकोण में हो या मित्र राशि में हो, स्वच्छ उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो, तो ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। 6-8-12 भाव में शुक्र को नहीं होना चाहिए, वो डेंजरस हो जाता है। फिर दूसरा होता है गृह कल्याण संपत्ति नित्यम मिष्ठान भोजनम, यानी घर की प्राप्ति होती है, मिष्ठान भोजन प्राप्त होता है। तो ये सब एक इंडिकेटिव चीजें हैं, मिष्ठान भोजन प्राप्त होना, ग्राम में घूमना, घर की प्राप्ति होना। कहना मतलब ये है कि आपको अगर आपका शुक्र त्रिकोण में है, केंद्र में है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है या अपने मित्रों के वर्ग में है, तो आपको सभी तरह के धन धान्य की वैभव की प्राप्ति होती है। तो इसमें यही चीज ये बोला गया है कि ऐसे केस में राजा के दर्शन होते हैं, राज्य लाभ होता है, उत्साह होता है, छत्र चामर की प्राप्ति होती है, छत्र चामर मीन्स वैभव की प्राप्ति होती है, घर में मांगलिक कार्य होते हैं, प्रतिदिन मिष्ठान भोजन बनता है, रत्नों के लाभ होते हैं, आभूषण के लाभ होते हैं, वस्त्र लाभ होता है, धन्य धान्य का लाभ होता है, आपके नाम और फेम में वृद्धि होती है, कीमती वाहनों में यात्रा करते हैं आप, तो ये सारे फल प्राप्त होते हैं अगर सूर्य की महादशा हो और शुक्र की अंतरदशा हो और शुक्र केंद्र त्रिकोण उच्च राशि मित्र राशि या शुभ वर्ग में संस्थित हो। इसके विपरीत वो कहते हैं, ऋषि पाराशर कहते हैं षष्ठा अष्टमे व्यय शुक्रे दायशाद बल वर्जिते। षष्ठा मीन्स छठे भाव में, अष्टम मीन्स अष्टम भाव में, व्यय मीन्स 12वें भाव में। अगर 6-8-12 में शुक्र है तो, और शुक्र निर्बल है तो क्या होगा, राजकोपो मन क्लेश है पुत्र सी धन नाशनम, यानी राजकोप होगा, यानी जहां भी आप सर्विस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करते हैं, वहां से आपको बहुत से प्रॉब्लम हो सकती है, वहां से आपको थोड़ा मतलब ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी एक तरह से वहां पे नेम फेम या इज्जत जो है उतना नहीं रह रहा है, आपको वो थोड़ा अलग कर रहे हैं इस चीज से, तो वो भी ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर 6-8-12 भाव में शुक्र हो तो वो बलहीन हो जाता है और वहां पर राजकोप की प्राप्ति होती है, मन में कलेश रहता है, मानसिक शांति नहीं रहती, पुत्र स्त्री धन नाशनम, यानी कि संतान का नाश होता है, स्त्री का नाश होता है,
मतलब कहने का यह है कि संतान से स्त्री से सुख नहीं मिल पाता, ये प्रॉब्लम रहती है। तो, लेकिन एक चीज वो ये बोलते हैं इसके अंदर, छठे आठवें बारहवें भाव में भी शुक्र अगर है तो भी भुक्त्यादो मध्यम मध्य लाभ है, कि मध्यम में दशा के मध्य में थोड़ा बहुत लाभ जरूर होता है, दरअसल दशा के मध्य में थोड़ा लाभ होता है, लेकिन अंते यशो नाशनम जय स्थान भ्रंश माथवी वा, लेकिन अंत में आपका यश जो है उसका नाश होता है, आपका नेम फेम जो है वो खराब होता है, और स्थान भ्रंश का मतलब है कि आपका जहां स्थान है वहां से आप छोड़ना पड़ता है, आपको अपना प्लेस चेंज करना पड़ता है। बंधु द्वेषम, बंधुओं से द्वेष होता है, आपके जो भाई बंधु हैं आपके सहोदर हैं उनसे आपका द्वेष होता है, आपके कुल में प्रॉब्लम होती है, भोग नाशनम जो आपका वैभव है उसमें नाश होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। इसमें दो चीजें बहुत ध्यान देने वाली है, एक तो ये कि शुक्र जो है छठे आठवें बारहवें भाव में स्थित ना हो, दूसरा कभी भी अंतर्दशानाथ को दशानाथ से छठे आठवें बारहवें भाव में नहीं होना चाहिए। एक तो लग्न से छठे आठवें बारहवें भाव में भी प्रॉब्लम है और दशानाथ से भी छठे आठवें बारहवें, अगर दशानाथ से भी छठे आठवें बारहवें का एक्सिस बनता है अंतर्दशानाथ का तो वो एक्सिस अच्छा नहीं कहलाता और उसके अंदर कष्ट होते हैं। तो यही इन्होंने बताया है कि यदि शुक्र छठे आठवें या दसवें भाव में संस्थित हो या निर्बल हो कि मतलब पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, पाप ग्रहों से युत हो, तो ऐसी दशा में राजभय होता है, मानसिक कष्ट होता है, धन हानि होती है, पत्नी और संतान का नाश होता है। दशा के प्रारंभ में औसत फल मिलते हैं, दशा के मध्य में इन्होंने बताया कि शुभ फल भी मिल जाते हैं, लेकिन दशा अंत में आते आते स्थान भ्रंश होता है, आदमी को स्थान चेंज करना पड़ता है, मित्रों के साथ द्वेष होता है, यशो जो सहोदर हैं उनके साथ द्वेष होता है। और यदि शुक्र सप्तमेश हो, अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंदर सातवें भाव का स्वामी है ऐसे केस में और उसकी अंतरदशा है तो शारीरिक कष्ट एवं रोग भय भी रहता है। और यदि शुक्र षष्ठेश और अष्टमेश के साथ बैठ जाए, शुक्र छठे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी के साथ युक्त हो तो इवन मृत्यु तक कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है कुंडली के अंदर कि कहीं छठे आठवें बारहवें भाव में तो नहीं, और शुक्र कहीं आपकी कुंडली में सातवें भाव में तो नहीं। अगर सातवें भाव का स्वामी है शुक्र तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, शारीरिक कष्ट क्रिएट करता है, क्योंकि सातवां भाव भी मारक भाव कहलाता है। और यदि शुक्र जो है वो छठे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी के साथ युक्त हो जाए तो ऐसे में मृत्यु का भय रहता है, मृत्यु भय मीन्स काफी कष्टों का भय रहता है, काफी कष्टकारी चीजें हो सकती हैं। तो इन दोषों के शमन के लिए अगर इस तरह की स्थिति है तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना चाहिए, श्वेत गौ सफेद गाय अथवा भैंस का दान करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, भगवान की शंकर की कृपा से सुख शांति की प्राप्ति होती है, ऐसा बृहत पाराशर होरा शास्त्र में ये वर्णन दिया गया है। तो ये उपाय भी इसके अंदर दिया गया है कि अगर आपका छठे आठवें बारहवें में शुक्र है या दशानाथ से छठे आठवें बारहवें में है या सातवें भाव में है या छठे या आठवें भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है तो इन उपायों को करने से उसकी अंतरदशा में सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो गलत रिजल्ट मिलने होते हैं, जो बेकार रिजल्ट मिलने होते हैं, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते। तो आशा करता हूँ ये शुक्र की दशा का आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग चंद्रमा की महादशा में डिफरेंट ग्रहों के अंदर दशा स्टार्ट करेंगे और हर उसमें दो दो ग्रह लेते जाएंगे तो आपको मालूम चलता जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ भी कहा है ये ऋषि पाराशर का कहा हुआ है, इसमें कोई किसी की बात नहीं है, कहीं किसी चीज से नहीं लिया हुआ है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे तो हमेशा प्रेडिक्शन अच्छी कर पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। करना चाहता हूँ कि हमारे शिवानी एस्ट्रो चैनल के अंदर अपने बैच चलते हैं, तो आप में से जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी में सीखना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए एडमिशन ले सकते हैं और 5-6 महीने के अंदर वो एस्ट्रोलॉजी में परफेक्ट भी बन सकते हैं, ऐसा इसके अंदर होगा। धन्यवाद।